एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की भारतवर्ष के आर्य लोग हिंदू लोग बात करते हैं, भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन ये विषय संपूर्ण दुनिया में रखा है, और एक तरफ जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन कहलाते हैं दुनिया में, इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी का जो उद्घोष बड़े गौरव और गर्व के साथ करते हैं, उन लोगों के स्तंभ पर कैपिटल बिल्डिंग के सामने लिखा है कि 10 करोड़ लोगों को उन्होंने मारा है, तब उन्होंने अमेरिका को बनाया है। ये कौन सी मानवता, ये कौन सा ह्यूमैनिटेरियनिज्म है? हम कहते हैं लेट अस कम द नोबल आइडियाज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, आनो भद्रा कतबो यंतु विश्वतः। हम कहते हैं दुनिया से दुनिया के सारे श्रेष्ठ विचारों को हम आत्मसात करके विश्लेषण करके दुनिया का मार्गदर्शन करने को हम तैयार हैं और दुनिया के साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन जिस भारत ने सभी संप्रदायों को, उनके पीड़ितों को, उनके शरणार्थियों को कभी केरल में शरण दी एक मस्जिद बनवाकर, तो कभी भारत में भारत के राजपूताने के राजाओं ने अनेक प्रकार के आगंतुकों को जो विदेश से आए उनको शरण दी, और वहीं भारत के लोगों को अभी रिसेंटली बिल्कुल एकदम करंट अफेयर है कि बांग्लादेश से जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान से एक प्रकार से सब प्रकार की उनकी मुक्ति दिलवाई, अनेकों पीड़ाओं से जो ग्रस्त थे उनकी पीड़ा को समाप्त किया, और उन शेख मुजीबुर रहमान की जो उसके प्रतीक थे मुक्ति के आंदोलन के, उनकी प्रतिमा को गिराना, एक सब प्रकार से उन्हें बेइज्जत करना, और बांग्लादेश के इस छात्र आंदोलन के नाम पर टारगेट केवल हिंदू ही हुआ, उनको इस्लामिक राज्य बनाना है ठीक है, वह उनकी मर्जी है, पर हम इस बात को जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और सर्वधर्म संभाव का देश होने के पश्चात, पंथ निरपेक्षता का देश होने के पश्चात, यदि हमारे पड़ोस में बिल्कुल सीमाओं से सटे होने के पश्चात भी यदि कोई इस्लामिस्तान बनता है तो ये हमारी विदेश नीति को कोई पता है, भारत के शासकों को मालूम है और भारत की जनता को भी पता है, मालूम है हमें कि हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, और वो असर सीधा सीधा ये है कि अभी अपने यहाँ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू बेटों को टारगेट कर रहे हैं, और इससे जो भारत का हिंदू है और जो अन्य संप्रदाय हैं जैसे इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, हम ये पूछना चाहते हैं कि वे कौन सी मानवता की बात कर रहे हैं, वे कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? जैसे ही जहाँ पर हिंदू कमजोर होता है और वहीं पर लोकतंत्र को और मानवता को खतरा उत्पन्न होने लगता है, फिर जो अभी आपका विषय है मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि ये कहना कि जहाँ हिंदू कमजोर हुआ और वहाँ खतरा है, तो ये हमारे आत्मविश्लेषण का भी विषय है। हिंदू समाज को स्वयं विचार करना होगा यदि सरकारों के सहारे और हम इस्लाम को रोक पाने में सक्षम होते, बात इस्लाम को रोक पाने की नहीं है, भारत का जब एक बार बंटवारा हो गया और एक बार मुसलमानों ने पाकिस्तान पसंद किया, फिर ये कहना कि हम भारत में जो बाकी मुसलमान रह गए हमने इसको देश को अपना माना इसलिए रह गए, ये केवल छलावा है, ये कपट है, और भारत के अंदर एक डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, भारत की आबादी को और परिवर्तित करने के लिए, और ये उनकी एक चाल है। अभी कुछ ही वर्षों के अंदर अलग अलग इलाकों में और भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहाँ से हिंदुओं को भारत में और भारतीय शासन होने के पश्चात, पंथ निरपेक्ष शासन होने के पश्चात उन्हीं जिलों में उन्हीं विधानसभाओं से उन्हीं लोकसभाओं से उन्हें भागना पड़ता है, उन्हें कभी कैराना से तो कभी पश्चिम बंगाल के अनेक करीब 14 जिले ऐसे हैं जहाँ से उन्हें अपने बोरिया बिस्तर समेटने पड़ रहे हैं। ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि हिंदुओं शासन के भरोसे रहकर आप केवल अपनी सुरक्षा, अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा, अपनी बेटियों की सुरक्षा, अपने जान माल की सुरक्षा, तुमने जो इमारतें भवन बनाए हैं, बाजार बनाए हैं, जो शोरूम बनाए हैं, जो मॉल बनाए हैं, जो फार्म हाउस बनाए हैं, उनकी सुरक्षा तुम नहीं कर सकते। इसके लिए सावधान होने की ये ज़रूरत है कि हिंदू समाज अपने देवी देवताओं की ओर ये देखे कि जहाँ उनके हाथ में फूल है, जहाँ उनका हाथ आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है, जहाँ सिद्धिविनायक जी के जिनकी आज चतुर्थी है उनके हाथ में लड्डू हैं, और वहीं उनके हाथ में परसु भी है, फरसा भी है, हमारी देवी माता का, और अभी नवदुर्गा के दिन आने वाले हैं, उन पर तो वो सभी देवताओं ने और सभी हमारे अवतारों ने उन्हें तरह तरह के हथियार दिए हैं, उनके हाथ में फरसा भी है, भाला भी है, तलवार भी है, ये ध्यान करके ये संकेत हैं, ये केवल प्रतीक चिन्ह हैं, और इन प्रतीक चिन्हों को ये मान करके नहीं माना जाना चाहिए कि हम पूजा तो करें, हम लड्डू भी चढ़ाएं, भंडारे भी करें, लेकिन हिंदू समाज जब उसके घर पर कोई पड़ोसी आक्रमण करे, ये कौन सा विषय है? हिंदू ये कहता रहे हिंदवा सहोदरा सर्वे धर्मो रक्षति रक्षिता,
ये नारे से नहीं चलेगा काम। और हम किसी ऐसे महापुरुष की बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है जो कुछ इस प्रकार के लोग थे जिन्होंने कह दिया अहिंसा परमो धर्म और उसकी प्रीफिक्स और सफिक्स को हटा दिया। अरे अहिंसा परमो धर्म केवल तब है वो सशक्त व्यक्ति ही कह सकता है अहिंसा परमो धर्म। यदि अहिंसा के सहारे सारे काम हो गए होते तो अंग्रेज इस देश से बाहर नहीं होते। यदि अहिंसा के सहारे सब कुछ काम हो गए होते तो फिर शिवाजी महाराज को जो दक्षिण में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी पड़ी और तलवार हाथ में लेनी पड़ी, पगने के हाथ में लेने पड़े और औरंगजेब को पैर नहीं रखने दिया। ये शिवाजी महाराज की नीति पर इस हिंदू समाज को चलना पड़ेगा। हिंदू समाज को अपने घरों में जो अपनी समृद्धि लानी है, हमारा ये कहना है समृद्धि देश की समृद्ध देश की परचाई होती है। लेकिन जो अपने जान माल की सुरक्षा न कर पाए, जो अपने बाजारों की सुरक्षा न कर पाए, जो बेटी की सुरक्षा न कर पाए, वो कैसा समाज है? इसलिए आत्मचिंतन करे हिंदू समाज अपना, सरकारों की ओर बहुत न देखे। जो लोग आज जातियों में बंटने की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन करता हो चाहे कोई भी राजनीति करती हो, वे लोग इतनी आत्मश्लाघा में जी रहे हैं, वे आत्म छलावा कर रहे हैं कि कहना ही चाहते हैं राजनीति में जो कुछ लोगों ने जो जाति जनगणना की बात कहनी चाहिए, देश को तोड़ना और बांटना चाहा। आज कुछ संगठनों ने भी कह दिया है कि हम जाति जनगणना की और समर्थन करते हैं। तो घर की तिजोरी को और खुला छोड़ दो, दरवाजे को खुला छोड़ दो और उसके बाद बदमाशों को और लुटेरों को घर में आने दो और फिर कहो कि वे हमारा माल लूट के लेके चले गए। जाति जनगणना बिल्कुल ऐसा ही विषय है कि हमने अपने घर के दरवाजे जाति गणना करके हम खुले छोड़ रहे हैं और उसके बाद ये कहना कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा, राजनीतिक दुरुपयोग से बचना चाहिए, ये केवल एक मात्र राजनीतिक स्टेटमेंट है और ये राजनीतिक बयानबाजी है। राजनीति का जब जाति जनगणना शुरू हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी तो फिर लोग जो आज भी देश को बांटने से और जातियों में बांटने से नहीं चूक रहे, जातियों को बांट करके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।